संसार की ज्यादातर सभ्यताओं में रात के 3 बजे का वक्त सबसे गहरे अंधेरे वाला और शापित माना जाता है। माना जाता है कि इस समय सुपरनैचुरल शक्तियां, रूहें, बुरी आत्माएं, शैतान सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और ताकतवर भी। दुनिया के कई हिस्सों में कई लोग कई कई बार रात के शैतानी पहर यानी 3 बजे अविश्वसनीय अनुभवों और अजीबोगरीब घटनाओं से गुजरते हैं। बाइबल के मुताबिक जीजस को दोपहर के 3 बजे सूली पर टांगा गया था, इसलिए रात के उस वक्त के इस हिस्से को नकारात्मक, अशुभ और पैशाचिक माना जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में आना सख्त मना है। इसका उल्लंघन करने वाला अपनी सलामती का खुद जिम्मेदार होगा। Thank you.
मैन सोले कभी क्या कर रहे हैं हां प्लीज आई गॉट स्केयर्ड यार आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी यार गॉड यू नो आई रियली फेल्ट कि यहां कुछ डाइसी है ब्रो ये जगह डेडली हॉन्टेड है कमीने बैट जीत गया तू पैसे जल्दी मैडम अपना वॉलेट हल्का करो नो एक्सक्यूजेस फॉर यू हां एक्सक्यूज मी हनी से मनी इट्स नॉट फनी मुझे पता था इससे नहीं मिलेगा अरे मिलेगा ना वो पैसे बचा लिए क्या कर रहे हो तुम लोग यहां पर यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर लीव सो सॉरी सर I'm really sorry, sir. I know we're not supposed to be here. हमें ऐसे trespass नहीं करना चाहिए था. But we're just chilling, having fun. That's it. Fun. बाहर signboard लगा है पढ़ा नहीं? तुम्हें पता है कि safe नहीं है premises. और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे disturb किया है. Sorry again, sir. My apologies. Actually, हमने इस जगह के बारे में काफी सारी haunted stories सुनी हैं. So हमने decide किया कि stories के पीछे की सच्चाई क्या है, हम लोग खुद ही जाके search कर लें. सच का सर्च क्या करोगे सच जानकर और वैसे भी सच को हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं है सर सच से वो लोग डरते हैं जिनके दिल में झूठ हो अगर सच को हैंडल करने की हिम्मत ना होती तो हम लोग यहां नहीं आते अच्छा फिर सुनो इस दुनिया में क्या है और क्या नहीं और इस दुनिया से अलग और कितनी दुनियाएं हैं उनमें क्या है और क्या नहीं ये कभी भी कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाएगा लेकिन उनकी एक दुनिया है मरे हुए लोग ये तो तय और वो दुनिया बनी है अधूरी इच्छाओं से टूटे यकीन से और बिखरे सपनों से गुनाहों से सजाओं से भ्रम से श्राप और अभिशाप से वो दिखाई भी देना चाहते हैं सुनाई भी देना चाहते हैं और अपने आप को महसूस भी कराना चाहते हैं लेकिन वो हमारा रास्ता कभी नहीं काटते कोई होनी अनहोनी गलती या जिद की वजह से हम उनका रास्ता जरूर काट सकते हैं मुझसे भी एक ऐसी गलती हुई थी जिससे हमारे रास्ते टकराए